आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक रेसिपी जो कि मैंने दावत पर खाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर इसका नाम है स्पेशल राइस। चीज़ें आपको दिखा देते हैं, कुछ चीज़ें जो आपको पहले करनी है। राइस आप देख लें, मैंने जो है 100% बॉयल कर लिए हैं। सिंपली आप जब इसको बॉयल करेंगे, आप इस पर डालेंगे नमक और ज़ीरा। बॉयल कर लेने के बाद आप इसको ड्रेन करके एक साइड पर रख देंगे। ये हो गए हमारे चावल तैयार। और जो इसके लिए हमें चाहिए होगी वो है चिकन। ब्रेस्ट के पीसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे पीसेस आप करवाएंगे, तकरीबन हाफ इंच कर लें, वो ज़रा अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो बड़े पीसेस भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया ब्रेस्ट के पीसेस चिकन के। प्याज आपको चाहिए नहीं कि अनियन, बहुत ही फाइनली आपने इसको चॉप कर लेना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। हरी मिर्चें यानी कि ग्रीन चिलीज, दोबारा आपको बता रही हूँ, बुलेट ग्रीन चिलीज हैं, जायका फुल है, मिर्चें कम होती हैं। टमाटो प्यूरी आपको चाहिए होगा, ये आपको इजीली मिल जाती है डब्बों में। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको घर पे ही बना सकते हैं। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हुई हूँ कि टमाटरों को आप पानी में बॉईल करते हैं, छिलका उतार करके उसको ग्राइंड कर लें और उसको छान लें यानी कि सिव कर लें, तो आपकी बन जाती है घर पर टमाटो प्यूरी। गर्म मसाला आपको चाहिए यहाँ पर, दैट्स माई होम मेड। नमक यानी कि सॉल्ट, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, क्यूमन पाउडर दैट्स जीरा पाउडर, हल्दी यानी कि टर्मरिक। देखिए सब्जियां जो हैं अपनी पसंद की आप डाल सकते हैं, शिमले की मिर्च भी डाल सकते हैं, स्प्रिंग अनियन डाल लें, जो आपको पसंद है, गाजरें डाल लें। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ कैंड मशरूम्स हैं, कैंड ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्वीट कॉर्न। और साथ में हम यहाँ पर देख लें पोटेटोज हैं जिसे मैंने छीला बारीक, आपने इसको यूं क्यूब्स में काट लेना है और उसके बाद में आप इसे जो है डीप फ्राई कर लेते हैं। ये भी काम यहाँ पर हो गया। बॉईल करते हुए मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, इंशाल्लाह जब आप रेसिपी देखेंगे तो फुल इंग्रेडिएंट्स तमाम चीज़ें आपके लिए वहाँ पर होंगी। तेल में बनाएं, घी में आपकी अपनी चॉइस है, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। पहला काम तेल यहाँ पर हम कर चुके हैं गर्म, आपको पता है मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। बीच में जा रहे हैं हमारे जो है बिल्कुल ही फाइनली चॉप्ड अनियन यानी कि प्याज, और अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसे शुरू से लेकर अभी तक फ्लेम हाई पर है, अच्छी तरह इसका जो है गोल्डन कलर आ जाना है, आपने इसको गोल्डन कर लेना है अच्छी तरह। उसके बाद आप ऐड करते हैं जो कि आपकी चिकन है, और चिकन के साथ तमाम मसाले जाएंगे, हल्दी दैट्स टर्मरिक, लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर, गरम मसाला सॉल्ट यानी कि नमक, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, ज़ीरा यानी कि क्यूमिन डाल करके इन तमाम चीज़ों को पहले आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। फ्लेम शुरू से लेकर अभी भी हाई पर ही है। मिक्स कर लेने के बाद स्ट्रेट अवे यहीं पर हम ऐड कर लेंगे जो कि हमारा यहाँ पर टमाटो का प्यूरी है, ये चला गया बीच में। मिक्स कर लें अच्छी तरह और हल्का से इसके जोश का वेट कर लें, और जैसे इसमें जोश आएगा आप इसको मीडियम पर रखकर तब तक को करेंगे जब तक ये चिकन कम्प्लीटली कुक हो जाना चाहिए और जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाएगा और तेल सरफेस पर आ जाता है। तो जैसे इसमें आप जोश देखेंगे और आप इसको मीडियम पर रखकर कुक कर, मैंने मसाले डाले थे, आई एम सॉरी आपको बताना भूल गई थी, आधा कप जितना पानी आप बीच में डाल लीजिएगा। वो वजह ये है क्योंकि बीच में खुश्क मसाले कहीं कुछ चीज़ जल ना जाए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया। देखिए बोनलेस है माशाल्लाह, बहुत जल्दी पक भी जाता है, और ये है कि जो मसाले वो पानी डालने से जो है कच्चापन ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी जो है रह गया, आप देख लें सरफेस पर तेल आ रहा है। आप इसमें ऐड करते हैं जो कि आपके मशरूम्स हैं और कॉर्न जा रही है बीच में, और फ्लेम यहाँ पर ला कर आप कर लेते हैं हाई पर, और तकरीबन 2 मिनट दे दीजिएगा अच्छी तरह मशरूम और कॉर्न को जो है बीच में चिकन के अंदर में पकाने के लिए ताकि मसाले उनमें भी चले जाएँ। तो ये कि 2 मिनट दे दें हाई फ्लेम, देख लें अच्छी तरह कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करते हैं आपकी जो हरी मिर्चें हैं, और इसमें जाएगा हरा धनिया। आपको स्टार्ट में इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि बाहर निकालने उसका रंग जो अजीब सा होता है, देखें जब आपने इस्तेमाल करना हो तब निकालें, मैं फ्रोजन इस्तेमाल करती हूँ। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने इसको किस्सा चावलों का मिक्स कर लें। चिकन तैयार हो चुका हुआ है, चावलों को आप पहले नीचे लगाते हैं और जो आपने ये चिकन बनाया हुआ है बीच में डालिएगा, क्योंकि हम सारे चावल अगर इकट्ठे बीच में डालेंगे तो फिर मिक्सिंग में भी प्रॉब्लम होगी आपको, और फिर क्या होगा कि जो आपके चावल हैं वो टूट जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा के ऐड कीजिएगा और चावलों को यूँ साथ साथ आप जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद जो भी आपके पास टी चावल है वो आप जो ढक्कन के ऊपर डाल करके इसे आप कवर करेंगे और लो फ्लेम पर रखकर आपने इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट देने ताकि इसको दम लग जाए यानी कि सिमर हो जाए, उसके बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर देख लें
बिफोर हम इसको सिमर करने से पहले यानी कि दम पे रखने से पहले अब यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं आलू। सॉरी आपको दिखाना भूल गई थी, वजह वो ये क्योंकि देखें बीच में अगर अभी डालेंगे चमचा हिलाएंगे ज़्यादा तो जो आलू हैं क्योंकि बॉयल्ड हैं फ्राइड हैं तो हल्के से सॉफ्ट हैं मशी ना हो जाए, तो ये आप डालते हैं एंड में और इसके बाद इसको अब हम रखेंगे सॉरी रखने के बाद आप इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे रायता चटनी जो आपको पसंद है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट जिसको cookwithfaiza.net पर, जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दवाओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।